गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सुबह से प्योर स्किल आए थे एकेडमी में, बहुत सारे विजिटर्स जो सूरत के जाने माने लोग हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ में रिलेटेड है, उन सारे लोगों ने यहाँ पे विज़िट किया। थोड़ी देर पहले हमने मीत से बात की जो साइबर में पीएचडी हुए हैं, अभी हम निकिशा झरीवाला मैम से बात कर रहे हैं, वो भी अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे और उन्होंने भी पीएचडी किया है टेक्नोलॉजी में कुछ स्पेशल तरीके से, तो हम उनसे बात करेंगे। मैम, सबसे पहले तो आपका यहाँ पर स्वागत है, एक टेक्नोलॉजी का ये फेयर है जो सुबह से चालू है, 5000 से ज़्यादा पीपल यहाँ पर आए हैं, आपका यहाँ पर आना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अब बताएं कि आप यहाँ पे आके क्या फील कर रहे हो और टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है स्टूडेंट्स के लिए, वो बात आप करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस फेयर, दैट इज आईटी टेक वॉर 2020। एक्चुअली टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंस है, मैं एक एग्जांपल देके बताती हूँ। I have done PhD in Braille language, that is design and development of the model to transliterate digitalized multilingual text into Braille and speech, which is an aid for visually impaired people. As we are the sighted people, हम इंटरनेट पे से सारी चीज़ें डाउनलोड करके अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं, एजुकेशन में स्टूडेंट्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन विजुअली इम्पैक्ट पीपल को ये फैसिलिटी नहीं मिलती है। दो टेक्नोलॉजी इज़ दिस मच एडवांस, वी आर लिविंग इन इंफॉर्मेशन एज, टेक्नोलॉजी एज, देन टू इट इज़ नॉट पॉसिबल विथ विजुअली इम्पैक्ट पीपल। सो मैंने जो मॉडल रेडी किया है उसकी मीन्स बिकॉज ऑफ इट विजुअली इम्पैक्ट पीपल विल बी एबल टू ट्रांसलिट्रेट the documents which are available on the internet into braille and speech, and it can be used by students, visually impaired students, ke wo apne education mein use kar sake, apna knowledge increase kar sake. So this is the importance of the technology in this era, ke hum technology se kya kya kar sakte hain. So thank you. बहुत अच्छी बात मैम आपने बताई कि टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट की लाइफ में क्या महत्व है। आपने भी एक स्पेशल टॉपिक पे पीएचडी किया है, हम थोड़ी सी बात उसके रिगार्डिंग भी करेंगे। मैंने जैसे बताया मेरा पीएचडी का टॉपिक क्या था, मैं थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। आई हैव ट्रांसलिट्रेटेड 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस इनटू ब्रेल। जैसे हम इंटरनेट पे डॉक्यूमेंट देखते हैं, एक ही डॉक्यूमेंट में 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस हो सकती है, दैट इज़ हिंदी मेन लैंग्वेज होती है, उसके अंदर मे बी पॉसिबल इंग्लिश के वर्ड्स हो सकते हैं, देन टू इट विल एबल टू कन्वर्ट इनटू ब्रेल फॉर विजुअली इम्पैक्ट पीपल। एंड दिस मॉडल कंटेन्स 4 पार्ट्स। फर्स्ट इज मल्टीलिंगुअल प्लेन टेक्स्ट टू ब्रेल, सेकेंड इज मैथमेटिकल टेक्स्ट टू ब्रेल, थर्ड इज ड्राइंग शेप्स टू ब्रेल, एंड फोर्थ इज टेक्स्ट टू स्पीच। मीन्स जो भी सारे जो एजुकेशन में जो डिफरेंट एरियाज है वो सारे एरियाज इसके अंदर कवर हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच मैम।